तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आज मैं फिर से खेलने वाला माइनक्राफ्ट। और माइनक्राफ्ट में आज मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 50 डेज। इस वर्ल्ड में मैं 50 डेज सर्वाइव करने वाला हूँ और इसमें मेरा कुछ गोल्स भी होंगे, जैसे कि एक विलेज ढूंढूंगा और अपने लिए एक पूरा डायमंड का आर्मर बनाऊंगा और एक अपने लिए घर बनाऊंगा और फूड पंप बनाऊंगा। ठीक है, चार गोल्स को मुझे कम्प्लीट करने होंगे, तो देखते हैं मैं कम्प्लीट कर पाता हूँ या फिर नहीं। तो चलो बस आज की ये वाला वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस वर्ल्ड में आते ही मैंने फटाफट से कुछ बूट को या फिर तोड़ लिया। बूट को तोड़ने के बाद मैं अपने लिए एक पिकैक्स क्राफ्ट किया और एक पिकैक्स क्राफ्ट करने के बाद मैंने सोचा कि भाई चलो स्टोन कलेक्ट करते हैं। स्टोन तो मेरे सामने ही है, तो फटाफट से मैं इन स्टोन्स के सामने गया। सामने जाने के बाद मैंने कुछ स्टोन्स कलेक्ट कर लिया। स्टोन्स को बस मैं फटाफट से कुछ स्टोन्स को कलेक्ट कर लेता हूँ। कलेक्ट करने के बाद मैंने एक शॉर्ट बनाया। शॉर्ट बनाने के बाद मैंने एक पिकेक्स बनाया। पिकेक्स बनाने के बाद मैंने एक एक्स बना लिया, क्योंकि भाई इनकी जरूरत है। ठीक है, स्टोन की जरूरत है। तो बस मैं नीचे तो नहीं जा सकता क्योंकि नीचे ज़ॉम्बीज है। ठीक है, तो बस मुझे आयरन दिखा नीचे। अगर मैं नीचे आयरन लेने के लिए गया तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि भाई नीचे बहुत सारा ज़ॉम्बीज है। अगर ज़ॉम्बी ने मुझे पकड़ लिया तो मेरा हाल बहुत बुरा हो जाएगा। ठीक है, तो भाई मैं पे फटाफट से कुछ कोल्स को कलेक्ट कर लेता हूँ। तो भाई कोल कलेक्ट करते करते हो गई यहाँ पे रात। तो रात में गाइस मैं क्या करूँ, मैं सोच रहा था, लेकिन सामने मुझे दिख गया विलेज। देख रहे हो भाई मेरा किस्मत कितना अच्छा है कि सामने मुझे विलेज दिख गया। विलेज दिखा तो मैं सामने चला गया विलेज को देखने के लिए, लेकिन मुझे सामने वहाँ पे दो स्केलेटन भी मिल गए, जो कि एक ने मेरा डैमेज कर दिया था। तो मैं वैसे बहुत तेज भाग गया क्योंकि मैं उन लोगों से फाइट नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट दिन में मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, खाना भी नहीं है। तो मैं फटाफट से इस घर के अंदर जाऊंगा। इस घर के अंदर जाने के बाद मैं सो जाऊंगा। ठीक है, आज तो यहाँ पे इन विलेजर के घर पे सो जाऊंगा। जो फर्स्ट डे यहाँ पे मैंने क्या किया कि कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इस आइलैंड को थोड़ा देखा भी, देख कैसा है, ठीक है, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो पहले ही मुझे विलेज मिल गया, तो फर्स्ट गोल मेरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो भाई अभी मैं इन विलेजर्स के घर को लूटूंगा। लूटने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। तो गाइस मैंने यहाँ पे पूरा विलेज लूट लिया, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे कैरेट दिख गया, तो मैंने भाई सब कुछ फटाफट से पे कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से दूसरी जगह पे जाऊँगा। कहाँ पे जाऊँगा गाइस? मैं जाऊँगा अभी माइनिंग करने के लिए, क्योंकि माइनिंग ही कर सकते हैं ना। माइनिंग करने के बाद ही तो मुझे आयरन, गोल्ड, डायमंड वगैरह मिल सकता है। ठीक है, तो गाइस मैंने यहाँ पे दो फर्नेस बना लिया। फर्नेस बनाने के बाद मुझे मेरे पास जो भी खाना बना था सब कुछ मैंने पका लिया। पकाने के बाद मैं अभी जाऊँगा माइनिंग करने के लिए। तो माइनिंग करने के लिए मैं जगह ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि दो चेस्ट बना लेता हूँ। चेस्ट बनाने के बाद मैं अपने जो सामान है इन्वेंट्री में सब कुछ मैं वहाँ पे रखूँगा, क्योंकि चेस्ट अगर नहीं बनाया तो मेरा इन्वेंट्री ऐसे फुल होता जाएगा और मैं ज़्यादा कुछ ले नहीं पाऊँगा। ठीक है, तो मैं फटाफट से घर में जाके दो चेस्ट बना लेता हूँ। दो नहीं, एक से काम हो जाएगा अभी तो फिलहाल। तो मैंने ये फटाफट से एक चेस्ट बनाया। चेस्ट बनाने के बाद सब कुछ मैंने वहाँ पे रखा। सब कुछ रखने के बाद मैं तो अभी गाइस मैंने सारा कुछ ऊपर रख दिया है। अभी मैं यहाँ पे अपने लिए कुछ पिकैक्स बनाऊंगा, जो कि माइनिंग करते टाइम लगेंगे। ठीक है, तो पिकैक्स यहाँ पे मैं बना भाई कुछ ज़्यादा ही पिकैक्स मैंने यहाँ पे बना लिया है। तो चलो कोई बात नहीं। तो भाई मैं यहाँ पे माइनिंग करने के लिए एक जगह ढूंढ लिया है। अगर मैं इस जगह पे माइनिंग करूँगा तो अच्छा रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। देखते हैं कितना सारा डायमंड मिलता है या फिर नहीं। जब तक गाइस डायमंड नहीं मिलेगा मैं माइनिंग करता ही रहूँगा। ठीक है, जब तक डायमंड नहीं मिलेगा मैं माइनिंग करता ही रहूँगा। तो यहाँ पे मैं माइनिंग करूँगा। माइनिंग करते टाइम मुझे भाई बहुत सारा डायमंड चाहिए होगा। बहुत सारा तो नहीं, मेरा पूरा आर्मर बनाना पड़ेगा और अपने लिए पूरा एक टूल्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट, पिकैक्स, एक्स और शबल सब कुछ चाहिए होगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैं फटाफट से माइनिंग करता हूँ। माइनिंग करने के बाद तुम लोगों से मिलता हूँ। ठीक है, तो गाइस माइनिंग करते करते मैं बहुत नीचे आ गया, लेकिन अभी तक मुझे एक भी डायमंड नहीं मिला। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे
मेरा जो स्टोन स्टोन है, जो जो भी फालतू का चीज़ है, मैं सब कुछ ऐप पे छोड़ देने वाला हूँ, ठीक है, सब कुछ गिरा देने वाला हूँ, सब कुछ मैं ऐप पे, क्योंकि मेरा इन्वेंटरी में जगह नहीं है ना, इसलिए तो मैं ऐप पे सब कुछ ऐप पे नीचे रख देता हूँ। रख तो नहीं भाई, मतलब छोड़ देता हूँ, इनका अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इनका अभी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं ऊपर वाले को भी लगा लेता हूँ। तो फटाफट इसको लगा लिया। अभी गाइस चलते हैं माइनिंग करने के लिए। बस मैं माइनिंग करके आ चुका हूँ, बहुत ज़्यादा माइनिंग कर लिया, मिला 52 डायमंड मिला, उससे ज़्यादा नहीं। गोल्ड देखो तो गाइस 3 गोल्ड मिला है, आयरन तो बहुत ज़्यादा कम मिला है, ठीक है, मतलब मिला ही नहीं है भाई आयरन, पता नहीं क्यों नहीं मिला इसमें। बस पहले मैंने कुछ आयरन लिया था वही है, ज़्यादा आयरन नहीं है। तो मैं भाई अभी फर्नेस में मेरा जो गोल्ड है, गोल्ड को मैं ऊपर रख देता हूँ, और गोल्ड को रखने के बाद नीचे वाले फर्नेस में मैं लगाता हूँ कॉपर को, इन कॉपर को ऊपर, तो कॉपर है या क्या नाम है भाई पता नहीं, मैं भूल गया। तो अभी गैस एक काम करते हैं, मैं पूरा, मेरे पास जो भी पिकैक्स हैं, इन पिकैक्स को पहले बाहर छोड़ देते हैं भाई, ये पिकैक्स भाई बहुत ज़्यादा जगह ले रहा है, ठीक है, तो मैं इन पिकैक्स को भाई फटाफट से नीचे छोड़ देता हूँ, इनकी अभी कोई फिलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास डायमंड है, पता नहीं कितना सारे पिकेक्स तो नहीं, सब एक ही बनाऊंगा, क्योंकि एक एक से काम हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो ओके गाइस, सब कुछ मैंने यहाँ पे नीचे छोड़ दिया है, अभी चलते हैं क्राफ्ट करने के लिए, है ना। अभी तो पूरा एक आर्मर बनाना पड़ेगा और एक टूल बनाऊंगा, एक नहीं 4 टूल बनाऊंगा, 4 टूल। तो गाइस अभी मैं घर के अंदर जाता हूँ, घर के अंदर जाने के बाद अभी क्राफ्ट करते हैं, मतलब बनाते हैं पूरा एक आर्मर। तो ये हो गया हमारा चेस्ट क्या बोलते हैं भाई, चलो ओके। तो गाइस मैंने यहाँ पे सारा कुछ क्राफ्ट कर लिया है, आर्मर पूरा ले लिया है, आर्मर पूरा बना लिया है। अभी एक शॉर्ट बना लिया, और एक शॉर्ट तो मैंने बना लिया पहले ही, अभी मेरे पास भाई स्टिक्स नहीं थे तो भाई पिकैक्स नहीं बना पाए। अभी एक पिकैक्स बनाते हैं और एक एक्स बनाना पड़ेगा, और एक शवल, ठीक है, शवल तो चाहिए होगा क्योंकि शवल का भी काम है बहुत ज़्यादा, तो एक शवल भी मैं बना लेता हूँ। शवल बनाने के बाद अभी गाइस मेरे पास जो भी डायमंड है सबको मैं ऊपर रख देता हूँ, क्योंकि डायमंड अगर घूमेंगे तो नहीं, इसलिए मैं सेफ्टी के लिए रख देता हूँ। तो मैं सब आर्मर को पहन लेता हूँ, और डायमंड का सारा टूल को मैं नीचे ले लेता हूँ भाई, और अभी जो ये आयरन का शॉर्ट वर्ड है सब कुछ मैं ऊपर रख देता हूँ, पिकैक्स नीचे, शॉर्ट नीचे, अभी ठीक है गाइस, चलो अभी ठीक है। तो अभी देखो भाई, क्या है तो डायमंड का आर्मर, क्या है तो ओपी लग रहा है भाई, तुम लोगों को कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमारा गाइस दूसरा गोल भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अभी दूसरा गोल कंप्लीट करने के बाद अभी मैं बनाऊंगा अपने लिए एक घर। मैं एक विलेजर के घर पे रह रहा था, ठीक है, कुछ दिनों से विलेजर के घर पे रह रहा था, आज मैं यहाँ पे बनाऊंगा, आज तो नहीं, एक घर बनाने में भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं फटाफट से कुछ बूट्स को यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ, ओके गाइस, वहाँ पे जितना भी बूट्स था सब कुछ मैं कलेक्ट करके लेके आया, कलेक्ट करने के बाद उनको रिप्लांट कर दिया, जो मेरे पास सीड्स तो नहीं भाई, वो क्या करता भाई उसको। फिर मैंने गाइस इस जगह को थोड़ा साफ किया, फिर मैंने गाइस यहाँ पे अपने लिए घर बनाना स्टार्ट किया।
तो गाइस यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया है, क्योंकि दरवाज़ा मैंने थोड़ा गलत लगा दिया है, कि प्लैंक्स को मैंने थोड़ा गलत लगा दिया है, ठीक है। तो इनको अभी फटाफट से मैं मुझे सही करना पड़ेगा, जिससे कि भाई थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। तो मैं इसको भी फटाफट से सही कर लेता हूँ। फिर से वुड की कमी हो चुका है, मतलब वुड खत्म हो चुका है। तो वैसे पे फिर से वुड की कमी हो चुका है, तो वुड नहीं है मेरे पास, फिर से जाना पड़ेगा वुड को लेने के लिए। वैसे पे मेरा घर कंप्लीट हो चुका है, घर को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी सिर्फ यहाँ पे थोड़े ग्लास लगाना बाकी है, ठीक है। जितना भी मेरा सामान था वो मैंने यहाँ पे ला लिया, मतलब उस घर से यहाँ पे लाया। अभी गाइस यहाँ पे मैं बकेट बना लेता हूँ, बकेट की ज़रूरत है। मेरे पास आयरन था, मैं भूल गया था, तो मैं अगर मुझे पहले याद आता तो मैं पहले बकेट बना लेता, ठीक है। मैं भूल गया था इसलिए मैं नहीं बना पाया, सॉरी उसके लिए। तो भाई जितना भी आयरन था, एक ही आयरन बचा है, उसको मैंने अंदर रख लिया। अभी गाइस चलते हैं नीचे, नीचे जाने के बाद मैं बनाऊंगा फुटपाथ।
लोगों ने मेरा घर देख लिया तो तुम लोगों को ये मेरा घर कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट पे बताना। 50 डेज कंप्लीट हो चुका है तो इसका पार्ट 2 भी जरूर आएगा जिसमें मैं 100 डेज सर्वाइव करने वाला हूँ। तो उसके लिए भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना। तो चलो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।